अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़रा अपना नाम बता दें, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है दाद करीम। दाद करीम जी हाँ जी, हम ज़रात का काम कर रहे हैं। किस लीमू का काम? लीमू का, ठीक है। ज़रात का लीमू, लीमू आम, ये लीमू आम, इसके अलावा सब्जी। अच्छा, पपीते। ये आप कब से कर रहे हैं? ये हमारे बड़े भी कर रहे थे, हम भी कर रहे। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में जनरेशन से चलता आ रहा है। तो इसमें ज़रा बताएं कि आपको क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात तो नहीं, पानी की होती है, दवाई भी सही नहीं आ रही, लगाते हैं तो बीमारी नहीं जा रही, महंगी भी है। अच्छा, जैसे ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है मंडी एक्सप्रेस से हैं, हम डायरेक्ट जो है आपसे, अगर आपका जो काश निकले अगर वो हम आपसे ख़रीदते हैं, इससे आपको कुछ बेहतरी होगी? वो जब काम चलेगा फिर तुम्हें पता पड़ेगा, अभी तो ऐसा पता नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर काम चले और आपको जो कीमत मिल रही है वो मंडी की कीमत से ज़्यादा मिले तो उससे आपको फ़ायदा होगा? तो लाजमी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप और क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जो अभी करना चाहते हैं? हमें बस रेट सही मिले, खुद सब कुछ सही कर सकते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी ने कुछ दिया या हेल्प की? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो आपने ये सारा कुछ खुद ही शुरू किया? खुद ही शुरू किया, खुद बोर लगाया, पानी निकाला है, ज़मीन भी माशाल्लाह अपनी है, बोर में कुछ मदद मतलब नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि आपको और किस तरह से बेहतर सहूलत फराहम की जा सकती है, मतलब क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं आपको कि आपके जो यहाँ से काश निकले वो बेहतर हो जाए, ऐसी कोई चीज़ है? हमें कोई अच्छी दवाई ववाई मिले, बीमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और खाद मात सब हम खुद कर लेते हैं, दवाई के प्रॉब्लम ना है, दवाई का प्रॉब्लम, पानी पिया जाए। ठीक, कोई और सवाल है? ठीक है, हाउसहोल्ड पीपल। अच्छा, ये आप बता सकते थोड़ा बहुत अपना फैमिली के बारे में कि आप कितना कितने सारे लोग हैं जो इस ज़मीन से उनकी रोज़ी बनती है? ये तकरीबन 15-20 बंदे हैं। 15-20 बंदे। और आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है? 32 एकड़। सबका मतलब काम चल रहा है बिल्कुल सही? काम चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही बेसिक सवाल है।